लोगों के प्लान हुए हैं और जो ज्वाइनिंग आनी है उसमें से 50% ज्वाइनिंग जो आती है 24 से 72 घंटों के अंदर अंदर आती है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, बंदा 3 दिन मोटिवेट होता है, प्लान कल का दिखाया हुआ है, आज फॉलोअप कर लोगे या अपलाइन से करवा लोगे या थर्ड पार्टी किसी से करवा लोगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 72 घंटों तक 50% उसमें से ज्वाइनिंग आने की संभावना है। 10 प्लान में से 5 नहीं बोल रहा, अगर आपके पास 10 में से 3 ज्वाइनिंग आती है तो मतलब 4 ज्वाइनिंग आती है तो 2 ज्वाइनिंग आने की संभावना है फॉलोअप के दौरान। अगर आपको लगता है कि इसको रिजल्ट को बढ़ाया जाए, मैं बोलता हूँ अगर फॉलोअप में 72 घंटों में अगर इतना फॉलोअप कर लेते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसके बाद अगर आप 5 मुलाकात कर लेते हो बारी बारी फॉलोअप की, 1, 2, 3, 4, 5 मुलाकातें अलग अलग टाइम पे फिक्स करके कर लेते हो, तो मैं बोलता हूँ 60% चांसेस हैं कि 10 प्लानों में से 6 ज्वाइनिंग आ जाए। आप इतना रेशियो भी खींच सकते हो, 10 प्लान में से 6 ज्वाइनिंग भी आ जाए। अगर आपने 80% रिजल्ट निकालना है, 10 में से 8 ज्वाइनिंग लेनी है, तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, 80% विजेता वही होते हैं सेल्स में जो 5 से 14 बार फॉलोअप करते हैं। मतलब एक बार मिलके नहीं छोड़ा, 2 बार मिलके भी नहीं छोड़ा, 3 बार मिलके भी नहीं छोड़ा, 12वीं बार भी नहीं छोड़ा, 14 बार तक उसने बार बार फॉलोअप लिया है। मैं ही नहीं बोलता कि उससे नाराज हो जाओ, लड़ दो, रिश्ते अच्छे बनाए रखो, एक दिन कभी ना कभी उसको लगेगा और वो आपके साथ बिजनेस करेगा तो कितनी बड़ी बात है, आपके साथ बिजनेस चल जाएगा। 5 से 14 बार भी लग सकता है और 14 बार के दौरान बिजनेस चल जाता है, मैंने अच्छे अच्छों का देखा है, ठीक है। 10 में से 8 ज्वाइनिंग भी आ सकती है और 2 ज्वाइनिंग तो कैसे भी नहीं आती, कितना भी जोर लगा लो। और मैं बोलता हूँ कोई कंपनी का डायमंड आके भी प्लान बताएगा तो भी नहीं आती, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉलोअप इतना बड़ा चैप्टर है कि हम फॉलोअप पे कभी स्पेशल बात करेंगे। मतलब फॉलोअप का मतलब क्या है एक्चुअल में, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने एक पोस्टर रिलीज किया था जिसका नाम था सेल क्लोजिंग ट्रेनिंग सेशन, यही लिखा था मैंने। अब सेल क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, फॉलोअप ही होता है एक प्रकार से। सेल क्लोजिंग में कोई आपको पैसे निकलवा के हाथ में देना नहीं सिखाऊंगा, सही है। सेल क्लोजिंग का मतलब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस आना शुरू हो जाए। आपके जब प्लान, आप जब फॉलोअप करने जाते हो प्लान दिखाने के बाद, तो जैसे मान लो प्लान के वैसे बहुत सारे बेसिक और भी नियम है, प्लान दिखाते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये बोल रहा हूँ कि प्लान दिखाने चाहिए। जब बात फॉलोअप की है तो फॉलोअप में आपको एक चीज समझनी है कि जब हम किसी का फॉलोअप करते हैं तो आपके पास बेसिक से सवाल ये आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है इसलिए नहीं कर सकता, ये कंपनियां भाग जाती है, मैंने ऐसी कंपनियां कभी चलती हुई नहीं देखी, मेरा एक दोस्त था उसने एक कंपनी में पैसे लगाए थे वो डूब गए, ठीक है, ये चलता नहीं है, ये लीगल नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे काम नहीं करना चाहता, ठीक है, आपकी कंपनी क्या सर्टिफाइड है, लीगल है। मतलब छोटे मोटे सवाल हैं, सवाल 10 हैं, उन्हीं को घूम घूम के प्रेजेंट किया जाता है। और जायज सवाल हो, सतीश पंडित जी तो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ऑब्जेक्शन बहुत आते हैं। देखो मेरा ये मानना है कि ऑब्जेक्शन तो जायज है वैसे आना, ठीक है, कुछ तो लोग नाटक करते हैं, मैंने देखा है ऑब्जेक्शन करने के बाद ना ऑब्जेक्शन शॉर्ट आउट कर दोगे तो भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे कुछ लोग तो, लेकिन एक नियम है उसके हिसाब से क्या है कि कुछ परसेंट आपका रेशियो ज्वाइन हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा फॉलोअप करना सीख लो तो, फॉलोअप में आप ज़्यादा किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। सतीश पंडित जी एक बहुत बड़े पुराने नेटवर्कर थे जिन्होंने एक बात उस टाइम में बोल दी थी, पता है क्या, कि सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। मतलब पति पत्नी की लड़ाई हो, क्या बहस के जवाब दिए जा सकते हैं, क्या नहीं दिए जा सकते ना, बहस कर रहे हैं तो जवाब नहीं दे सकते, अगर सवाल जवाब जायज है तो जवाब दिया जा सकता है। वो ये पूछे कि सर कंपनी बड़ी है आपकी, मैं थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ इसमें पैसे आते हैं कि नहीं आते, आपका कोई प्रूफ है क्या, दिखा सकते हो क्या, उस सवाल का जवाब है, समझ रहे हो। वो बोल रहा है ऐसी कंपनियां भाग जाती है, अब उसका क्या जवाब दोगे बताओ, आप एक बार जवाब दे दोगे बना बनाया, लेकिन उसका रियल जवाब क्या दोगे। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, लेकिन जो रेशियो है ना वो घट के आता है। आप देखना सारे ऑब्जेक्शन करने वाले लोग कभी ज्वाइन नहीं हुए, ऑब्जेक्शन थे लेकिन उसके बाद भी ज्वाइन नहीं हुए, तो सवालों के जवाब नहीं होते हैं। आप उसको एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो और सवाल भी वो जो जायज लगे, ठीक है, नाजायज सवालों के जवाब भी नहीं दोगे, लेकिन आप प्रायिकता के नियम को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। फॉलोअप का एक लंबा चैप्टर लूंगा मैं आपके साथ, तभी आपको मजा आएगा। और एक दिन स्पेशल सेल क्लोजिंग की ट्रेनिंग रखेंगे अपन 3 दिन की, तब की आपको सेल क्लोजिंग पे और भी बात करने में मजा आए, ठीक है। अब लास्ट में अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना और शेयर करना है ना,
अपने प्रोडक्ट्स का 100% यूजर बनना और शेयर करना। पहले जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, चाहे भले ही वो कुछ भी हो, सही है, उसको आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपको उसको प्रमोट शेयर बाद में करोगे, पहले उसको यूज करो, उसके फायदे देखो। आपको अगर उस प्रोडक्ट से संतुष्ट हो तो आगे शेयर करो, नहीं तो आप खुद ही उस प्रोडक्ट से नेगेटिव रहोगे तो उसको शेयर भी नहीं कर पाओगे। सही बात है, पहले उस प्रोडक्ट को खुद यूज करो, बाद में शेयर करना शुरू करो, उसके बारे में और जानकारियां कलेक्ट करो, अलग अलग जगह से एजुकेशन लो। अगर आप एलोवेरा के बारे में बताने वाला तो एलोवेरा की जानकारी लो, यहाँ वहां की एग्जाम्पल याद आता है, क्या लिख दिया, लेकिन वो स्टिक नहीं है ना, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, अपनी कंपनी के उत्पादों को यूज करना और शेयर करना, अपने अपनी अपलाइन के प्रति जवाबदेही होना, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको ना अपने, देखो आप किसी पे विश्वास करो ना करो, मैं एक बात बोलूँगा, आपका अगर अपलाइन आपको जेन्युइन लगे ना, उस पर विश्वास करके, अंधे की तरह विश्वास करके काम करो इसी तरीके से, तब आप बड़ा काम कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि कई बार अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस संस्था के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हो, उसके साथ विश्वास बना के, उसके साथ जेन्युइनली काम करो, अपलाइन के साथ विश्वास बना के काम करो, आप बिजनेस में वाकई में बड़ा काम कर लोगे। एक्चुअल में समझने वाली बात क्या है वो देखना आप है, अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो कहीं ना कहीं एक आपकी आपसी बॉन्डिंग बन जाती है बहुत अच्छी, और उस बॉन्डिंग के ओरे से बिजनेस चलता है। हाँ देखो मैडम बोल रही है कि कॉपी पेस्ट का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, बिल्कुल, अपलाइन से सीखते रहो, नीचे सिखाते रहो और बीच में कमाते रहो, ऐसा ही बोला जाता है हमेशा, और सही बात है। आप इन चीज़ों को अगर कॉपी करते हो, डुप्लीकेट करते हो, तो आपका बिजनेस चलना ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है हमेशा अटेंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेमिनार, मतलब आपकी जितनी भी मीटिंग और सेमिनार होती है उनको अटेंड करते रहो, क्योंकि वहाँ से आपको नया सीखने को मिलता है। सबसे पहले होम मीटिंग को प्रमोट करो, होम मीटिंग में वीकली मीटिंग को प्रमोट करो, वीकली मीटिंग में मंथली जो सेमिनार होता है उसको प्रमोट करो। मीटिंग के तीन स्ट्रेटजी है, सबकी ऐसे ही होती हैं। सबसे पहले होम मीटिंग होती है सबके घरों में, अगर आप 10 होम मीटिंग होती है तो एक वीकली मीटिंग प्रोग्राम, अगर वहाँ पे ग्रुप इतना बड़ा है तो वीकली मीटिंग को प्रमोट करो। वीकली मीटिंग को प्रमोट नहीं कर सकते हैं तो जहाँ भी आपके नियर के शहर के 200 किलोमीटर के दायरे में मंथली मीटिंग होती है, उस मंथली मीटिंग का हिस्सा बनाओ। और मैं बोलता हूँ, स्टार्टिंग में जब हमने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था तो 200 किलोमीटर नहीं, हज़ार किलोमीटर तक भी प्रोडक्ट प्रोग्राम अटेंड करने जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंथली मीटिंग होती नहीं थी। तो आपको महीने दो महीने में एक बार मंथली मीटिंग अटेंड करो, कहीं ना कहीं बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनो। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने बोला, हमेशा बोलता हूँ, बी अकाउंटेबल, जिम्मेदार बनो। अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। जिम्मेदार बनना क्यों है वो देखो, आप देखो जिम्मेदार इसलिए बनना है, मतलब जवाबदेही बनो, एक्चुअल में बी अकाउंटेबल, बी रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप अगर जिम्मेदार बनेंगे, जवाबदेही बनेंगे, तो हर चीज़ की आप जवाबदेही लेंगे। आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, आपके अपलाइन और आप लोगों ने, आपने बोला कि सर 10 लोग मेरे होंगे, 8 लोग मेरे होंगे, 5 लोग मेरे होंगे, 3 लोग मेरे होंगे, ऐसे करके डिसाइड किया, और पता चला है कि मीटिंग वाले दिन आप खुद ही नहीं आ रहे जिसने बोला था 5 लोगों को आने का वादा किया था, तो आप कहाँ बचे अकाउंटेबल। मतलब मैंने दो प्रकार के लोग देखे हैं इस बिजनेस में, सबसे बड़ी बात, काम तो बढ़िया कर रहे हैं लेकिन जिस दिन सेमिनार मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी ना, तो वो खुद ही नहीं आ रहा, उसका खुद का ही प्लान नहीं आने का। हम सोच रहे हैं कि साले तेरे साथ मिलके तो हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, तो खुद जिम्मेदारी नहीं लेना आने का, और जो बचते हैं ना मीटिंगों में आने से, कसम से बोल रहा हूँ, चलेगा ही नहीं, जोर लगा लो एडी चोटी का, पता है क्यों? ऑटोमेटिकली अगर आप नहीं करोगे ना उस प्रकार से, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मीटिंगों से बचने की कोशिश करोगे तो मीटिंग कर नहीं पाओगे, तो बिजनेस में टिकोगे कैसे? आज नहीं, कल नहीं, एक दिन तो जरूरत पड़ेगी, अपलाइन साथ नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको सबका साथ मिल रहा है तो सबसे बड़ी बात है मीटिंगें ऑर्गेनाइज करो, मीटिंगें ऑर्गेनाइज करे बिना बिजनेस बढ़ता ही नहीं है। छोटी मीटिंग 10 लोगों की, 20 लोगों की, 5 लोगों की, 50 लोगों की, ये मीटिंगें ही बिजनेस को बढ़ाती है, ये सेमिनार से मीटिंग को बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो इनका फायदा लेके चलो। आप जवाबदेही बनो अपलाइन के प्रति, पैसे के लेन देन के प्रति, व्यवहार के प्रति, रिश्तों के प्रति, ठीक है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रति, ठीक है, इन सब के प्रति अगर जिम्मेदार बनोगे, जवाबदेही बनोगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा। सबसे एक पॉइंट पे और डिस्कस करूँगा,
किताबें पढ़ना शुरू करो, टीम स्पोर्ट, टीम मैनेजमेंट का बिजनेस है ये, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सबसे एंड जो मैं टॉपिक बताना चाहूँगा आपको, टेप बुक फंक्शन जिसको बोलते हैं, ऑडियो वीडियो सुनो उसके अलावा किताबें पढ़ो। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की किताबें पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ एक बार मतलब बिजनेस से अटैच हो गए, ज्वाइन हो गए, अब उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं ले, और लास्ट में बोलेंगे हम तो ऐसे ही हैं जी, हम तो ऐसे ही हैं सर, बिना पढ़े चल जाए तो चल जाए। मैं बोलता हूँ बिना पढ़े मेरा नहीं चल रहा, आपका चल जाएगा क्या? बिना किताब पढ़े किसी का नहीं चल रहा, आपका कैसे चल जाएगा? या आपकी कोई डायरेक्ट अटैचमेंट है किसी के साथ? देखो ऐसा है, स्पष्ट बता दूं, किताबें पढ़ोगे तो बड़ा काम कर पाओगे, ठीक है, किताबें नहीं पढ़ोगे काम कर पाओगे, एवरेज काम कर पाओगे। एवरेज मतलब एक टाइम तक तो अपलाइन हाथ पकड़ के खींच के लेके जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है फिर ना, ऐसा बोल दिया जाता है, आपने वो मूवीज नहीं देखी क्या हॉलीवुड, ऐसा होता है ना, तीन लोग जा रहे होते हैं तो उसको बोला जाता है आगे की, आगे एक की जाने की परमिशन है, सही है ना, तो फिर वो फिर अकेला निकलता है, आगे दो भी वापसी कर लेते हैं, ऐसा होता है। और वाकई में एलेक्स चाहे बिजनेस हम करें या चाहे कोई बिजनेस करें, तो हम सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो यही रहेगा, जब हम आगे बिजनेस को कर रहे होंगे आधे पॉइंट पे जब पहुंचेंगे ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, अपलाइन आपको एक लिमिट तक ले जाएगा, लेकिन आगे का जो सफर है ना खुद को तय करना पड़ेगा, तब हम बड़ा काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमने ये सोचा है कि बड़ा काम कर लें, ठीक है, और आप किताबें भी ना पढ़े, ऑडियो वीडियो भी ना सुने, मीटिंग्स भी ना सुने, फिर भी हो जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ट्रेनिंग मीटिंग सुन के किताबें पढ़े, सबसे पहले किताबें कौन सी पढ़ें, सबसे पहली किताब पढ़ो सवाल ही जवाब है, दूसरी किताब पढ़ो जीत आपकी या जोड़ो जोड़ो जीतो, जीत आपकी पढ़ लो आप, शिव खेड़ा जी की, उसके अलावा पढ़ो आप ये नाम क्या अपने दीपक बजाज सर की किताब है ना, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनेयर, ये तीन किताबें पढ़ दो, ये तीनों नेटवर्क मार्केटिंग की गीता ही एक प्रकार से, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो किताबें हैं ना, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनेयर, ये सबसे बड़ी किताब है, मोटी किताब है, इसमें सारी चीज़ें क्लियर है, सवाल ही जवाब है, आपको प्रायिकता का नियम सिखा देगी, जुड़ो जोड़ो जीतो या जीत आपकी, ये बेसिक सिखा देगी आपको, कहानियाँ सिखा देगी बेसिक जो आती है, अगर ये सीख जाओगे तो बिजनेस करना ईजी है। और एक्चुअल में 15 लोग कनेक्टेड हो, मैं एक बात बोल रहा हूँ ईमानदारी से, अप्लाई तो प्रायिकता का नियम यहाँ भी काम करेगा, आप कितना सीखते हो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर सीखना शुरू कर दोगे आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, विश्वास रखें, सीखना शुरू करो, सीखने से ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। चलिए दोस्तों, 8:39 हो चुका है, मेरा भी आगे फील्ड का शेड्यूल है, मुझे भी फील्ड में निकलना है, कल हम फिर इस टाइम कनेक्ट रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो मैंने हमेशा बताया है, जिस दिन मैं अपने यहाँ पे नहीं होऊंगा मैं उस दिन आपको पोस्ट वॉन्ट करके आपको लिंक नहीं दूंगा और बता दूंगा कि आज की मीटिंग नहीं होगी, तो अपने को प्रिपेयर रहना है। और अब कल के सेशन में मिलते हैं दोस्तों, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सबके साथ मिलके बढ़िया लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संख्या बढ़ाते जाएं, हम मीटिंग को और बेहतर